हाल ही में अक्षय कुमार ने बताया कि वेलकम 3 की शूटिंग को खत्म करने के बाद ही हेरा फेरी 3 की शूटिंग करेंगे। हेरा फेरी 3 और वेलकम 3 दोनों में ही अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल नजर आएंगे। इसी बीच परेश रावल ने इन दोनों फिल्मों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। परेश रावल ने बताया है कि वे इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन साथ ही में वे काफी डरे हुए भी हैं। परेश रावल ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में इन दोनों फिल्मों पर अपने विचार रखते हुए कहा कि बेशक इन फिल्मों को लेकर उत्साह तो है, लेकिन साथ साथ घबराहट भी बहुत है। मुझे कभी कभी यह भी डर लगता है कि कहीं फिल्में वैसा नहीं बन पाई जैसी सोची गई थी, लेकिन हमसे ज्यादा दर्शकों को उम्मीदें हैं। हेरा फेरी और वेलकम के लिए भी उन्होंने काफी लंबा इंतजार किया है, तो हाँ मुझे डर लग रहा है। हालांकि परेश रावल ने उम्मीद जताई है कि ये दोनों ही फिल्में दर्शकों का काफी मनोरंजन करेंगी, क्योंकि इन दोनों ही फिल्मों को काफी मेहनत से बनाया जा रहा है। बता दें कि वेलकम 3, जिसका टाइटल वेलकम टू द जंगल दिया गया है, इसका हाल ही में अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज किया गया था। यह अनाउंसमेंट वीडियो फैंस को काफी पसंद आया था। वेलकम 3 में अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, अरशद वारसी, रवीना टंडन, लारा दत्त और दिशा पाटनी समेत और भी कई बड़े एक्टर्स नजर आएंगे। इस फिल्म में लगभग 24 एक्टर्स नजर आएंगे। इस फिल्म को अहमद खान द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। यह फिल्म अगले साल 20 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके अलावा हेरा फेरी 3 को फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित किया जाएगा। हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी अपने पुराने किरदारों में वापसी करते हुए नजर आएंगे। हेरा फेरी 3 को साल 2025 में रिलीज किया जाएगा। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।